प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रतिभाग किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है। जर्मनी के चांसलर स्कॉल चौथी बार भारत आए हैं, पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। पीएम ने कहा कि 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। पीएम ने कहा कि ये साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस साझेदारी को नई बुलंदी देने वाले हैं। गुटेन टाग। सबसे पहले मैं चांसलर सोल्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर सोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर सोल्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के 2 बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा और सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत है। हम इस बात पर भी सहमत है कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम।